कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक मजदूरी कर जीविका का पालन करने वाले लोगों को शासन द्वारा 1,000 रुपया आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में धोबी, नाई, मोची, ठेला, खुमचा वाले शामिल रहेंगे, जिनकी सूची बनाकर जिला पंचायती राज विभाग में जमा करना है। उसके बाद विभाग में ही डाटा फीडिंग की जाएगी और उसे शासन को भेजा जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सरकार की योजना का लाभ मिल सके, जिसको लेकर विकास भवन स्थित जिला पंचायती राज विभाग के वार रूम में लगातार डाटा फीडिंग की जा रही है। अब तक लगभग 15,000 लोगों का डाटा फीडिंग किया जा चुका है, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि अभी और 3 दिनों तक डाटा फीडिंग किया जाएगा, उसके बाद उसे शासन को भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, मात्र 5,000 हुआ है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन हमें मिला है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी ठेला, खमचा या दिहाड़ी मजदूर या ऐसा जो दैनिक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना काल में प्रभावित हुए थे। चाहे वो गांव में नाई हो या मोची हो या हलवाई हो, इस तरह के लोग, चाहे धोबी हो, जो कि या दिहाड़ी मजदूर हो, जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, उन सबों के लिए सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई है भरण पोषण के लिए, भत्ता देने की, जिसके अंतर्गत उन सबों को 1,000 रुपया दिया जाएगा। इसकी फीडिंग जो है ग्रामीण क्षेत्रों की हमारे यहाँ इसके जो नोडल अधिकारी हैं वो जिला पंचायत अधिकारी हैं। तो ये जैसे कि अभी आपने देखा होगा अंदर फीडिंग हमारे यहाँ चल रही है, इसके अलावा विभिन्न ब्लॉकों से भी इसकी फीडिंग हो रही है। जो भी डेटा हम लोगों के को मिल रहा है, जो हम लोग सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा करके जो भी ठेला खमचा वाले मिल रहे हैं या इस तरह के जो भी लोग मिल रहे हैं दैनिक जीविकोपार्जन करने वाले, उन सबों का डेटा इकट्ठा करके हम लोग फीडिंग शुरू कराएँ। अभी तक लगभग 15,000 लोगों की फीडिंग हो चुकी है। ये फीडिंग अभी अगले 3 दिन तक और भी जारी रहेगी, अगर शासन के और भी आदेश आता है उसके बाद भी जारी रहेगी। हमारे पास अभी भी लगभग 12,000 डेटा इकट्ठा हो चुके हैं और इसकी फीडिंग करनी है। ये फीडिंग अभी रात में भी चलेगी, रात को हो सकता है 11 बजे रात को हम लोग चलाएंगे, फिर सुबह फिर से फीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि कोई भी आदमी, जो भी जिसने भी कोरोना काल में कोई भी किसी तरह की समस्या झेली है जीविकोपार्जन की, उसको सबको भरण पोषण भत्ता जो है सरकार की तरफ से मिल जाए।